तो आज करना है मुझे हॉस्पिटल का बैकपैक, बेबी के सारे कपड़े रखे हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको शो करती हूँ थोड़ी देर में कैसे कैसे कपड़े आए हैं। और कुछ इसकी नैपी वगैरह रह गई थी बेबी की वॉश होने के लिए, बाद में भी आई हैं, काना के पापा भी लाए थे, तो उन सबको वॉश करना है, क्लीन करना है, डिटॉल करना है, तो वो करके फिर मैं बैकपैक करती हूँ। मम्मी जा है मार्केट बेबी का सामान लेने, अभी बहुत सारा सामान रह गया, लाइक स्टैंड रह गया, बास्केट रह गई, डस्टबिन रह गया, जैसे बेबी के लिए चाहिए होते हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो अब देख रहे अब याद आ रही है कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, कान्हा मिकी के टाइम पे तो हमने फिर फटाफट मंगाई थी, मिकी के टाइम तक बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी तो कान्हा के लिए इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं थी। मम्मी जा रही है अभी मार्केट लेने और मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि जब तक डॉक्टर के नहीं जा रहे हैं सोचें ये फाइनल कर लें, क्या पता डॉक्टर नेक्स्ट डे ही बुला ले। तो यहाँ बेबी के सारे क्लोथ जो नए हुए हैं छोटे बड़े सब इनको कोई 150 कोई 250 प्योर कॉटन है मैं सूट भी ले तो हमको फिर मैंने पता सुना मैं ना चार वैसे लिए चार मेरे ये भी बेबी का है वो भी बेबी का है तो आप क्या करोगे डस्टबिन का क्या करेगा। तो अब हो गया डिनर टाइम और मैं खा रही हूँ रोटी तोरे की सब्जी छाछ, सलाद में सिर्फ अनियंस है और छकी हुई मिर्च है। मुझे ना हरी सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं आलू के अकॉर्डिंग, ये मैंने कह के बनवाई स्पेशल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशि डेढ़ा व्लॉग। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग के 7:30 और मुझे जिस चीज़ का डर था वही हुआ, अंदर से मुझे पेन स्टार्ट हो गया है और टांग स्टार्ट हो गया है और रात भर जैसे जैसे लेके बिल्कुल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बीच में ऐसा लगता है हल्की सी झपके आ रही मैं सो जाऊँ और फिर एकदम से मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से पता तबीयत खराब है, आई डोंट नो फॉल्स हैं या सच में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए हैं। अभी जाऊँगी मैं डॉक्टर के और कल मैंने करी थी शायद खूब सारी तैयारी, बैग वगैरह मेरा रेडी नहीं हुआ अभी तक, मेरे को था कि कल आराम से कर दूँगी सर, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए 9 मंथ में जब तक वो जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा बैग तैयार करूँ या सिर्फ दिखा के आऊँ या फिर पैकिंग करूँ या फिर हम क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं कहना सोया हुआ है इसके पापा को तो मैंने उठा दिया क्योंकि रात ही में जैसे तैसे कटी थी, मुझे था कि अगर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी तो जाके उठाऊंगी, बट नहीं थी क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब चल रही है और मुझे नींद भरी पड़ी है, मेरा मन नहीं कर रहा मैं कुछ भी बात करूँ या कुछ, ऐसा लग रहा है बार बार कि सो जाऊँ, थोड़ी सी नींद आ रही है हल्की फुल्की झपकी आ रही है बैठे बैठे भी, तो देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए अब मेरे वाला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़े। चलें हॉस्पिटल चलें हॉस्पिटल चल ये भी सोया पड़ा है और इसको भी सोना है और पूरी रात परेशान है फिर भी सोना है फिर चलना है हॉस्पिटल पक्का ना। नींद आ रही है बीच में एकदम सांप खुल रहे हैं मैं सो जाऊं थोड़ी देर। अच्छा दर्द कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं या आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे जा रहे हैं फिर तो फॉल्स प्ले हुआ। अब भी डॉक्टर है ऐसे तो छोटे मोटे एमबीबीएस आदमी
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बैठे हुए हैं बच्चे, राखी सब बैठे हुए हैं और पैकिंग स्टार्ट कर दिया हॉस्पिटल के लिए। कैसे हाथ जोड़ रहे हो? बॉय हो जाए। काना आपको क्या चाहिए? घर चाहिए। अब देखते हैं कौन जीतता है, मिकी जीतता है या काना जीतता है, बॉय आता है कि गर्ल आती है, या तो मिकी का रमेश तो आ गया, सुरेश आना बाकी है, या काना की जीनी आएगी, है काना? लिया जोड़ रहे हो? कहाँ जा रही है फिर? क्या हुआ? क्या हुआ? चल चल मास पेशेंट दे देंगे वो पेन है लेवर। कैसी जगह था? बंद हो गया पेन बढ़े हैं तुम? क्या बोला था तुमने? परेशान कैसे हो रहे हो? परेशान से कैसे लग रहे हो? परेशान तो कुछ ना, तो बस अब थोड़ी देर में होने वाला है, फिंगर क्रॉस्ड। घबराहट वो तो ज्यादा हो रही है, थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, 10-12 दिन और खिंच जाते हैं। सब कुछ ठीक हो, फिंगर क्रॉस्ड। दुख ना, मतलब अजीब सा लग रहा है यार, तुम कुछ गलत ना हो जाए। क्या बात है, कोरोना भी है क्या तेरे को? क्या क्या करके बैठी हुई है तू? तुम्हें यही पता चल रही है सारी बीमारी तेरे अंदर, कोविड भी होता है। तेरे तो सब में फैलाती है अब तक, सारी डेटा फैमिली कोविड पॉजिटिव कर दी है। गाइस लेवर पेन आ रहे हैं बार बार और मैं हो गई हूँ एडमिट, और शाम को इन्होंने 5-6 बजे तक डिलीवरी करेंगे मे बी।